नमस्कार। इस साल शुरू होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। ये फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये पहली बार है कि भारत कांस फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री के तौर पर हिस्सा ले रहा है। इस साल से शुरू हुई इस नई परंपरा को भविष्य में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के संस्करणों में जारी रखा जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस साल होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल कई मायने में भारत के लिए अहम है। एक तरफ जहां भारत ब्रिटिश शासन से अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कान उत्सव भी इस साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल का जश्न 18 मई को मैजिस्ट्रेट बीच पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जेरोम पाइलॉर्ड और गिलाउम के परिचय के और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के स्वागत भाषण के साथ शुरू होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस साल भारत प्रमुखता से दिखाई देगा। इस फेस्टिवल में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य फीचर फिल्म प्रतियोगिता में बतौर जूरी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा फेस्टिवल में भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन की सन डांस ग्रैंड जूरी पुरस्कार विजेता ऑल दैट ब्रीथ्स की एक विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही मशहूर भारतीय लेखक सत्यजीत रे की 1970 में रिलीज प्रतिद्वंद्वी और अरविंदन गोविंदन की द सर्कस टेंट को फेस्टिवल के कांस क्लासिक्स स्टैंड में दिखाया जाएगा। मशहूर भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे की ये फिल्म बंगाली लेखक सुनील गंगोपाध्याय की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने 1971 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित 3 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। फिल्म को फोटो नकारात्मक फ्लैशबैक जैसी तकनीकों के लिए जाना जाता है। यह अनुभवी अभिनेता धृतिमान चटर्जी की पहली फिल्म थी। तो वहीं 19 मई को होने वाले भारत द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर शामिल होंगे। 22 मई को MIB के एनिमेशन दिवस के हिस्से के रूप में एक एनिमेशन समर्पित नेटवर्किंग कॉकटेल में भारतीय पेशेवरों और उनकी प्रतिभाओं को दिखाया जाएगा। दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोह में से एक कान फिल्म फेस्टिवल में हर साल देश के कई सेलिब्रिटी हिस्सा लेते हैं, लेकिन साल 2022 का कान फेस्टिवल देश के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार के कान फेस्टिवल में भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। समारोह में अभिनेता आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा। 17 मई 2022 से शुरू होने वाले कान फेस्टिवल में 22 मई को भारत को समर्पित हॉल में देश की अनरिलीज्ड फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस बार भारत और फ्रांस राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो वहीं भारत को आधिकारिक तौर पर कान फिल्म समारोह में सम्मान के देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 5 स्टार्टअप ऑडियो विजुअल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और कान समारोह में आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का वर्ल्ड प्रीमियर भी होगा। आपको बता दें कि आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता आर माधवन मुख्य भूमिका में होने के साथ ही इसके सह निर्माता और निर्देशक भी हैं। फिल्म को हिंदी के साथ अंग्रेजी और तमिल में भी रिलीज किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस बार कान फेस्टिवल में भारत की ब्रांडिंग का पूरा फोकस इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पर रहेगा, यानी कि भारत को दुनिया के कंटेंट हब के तौर पर पेश किया जाएगा। ये थीम भारतीय पवेलियन की रहेगी। पवेलियन भारतीय सिनेमा के समृद्ध परंपरा, क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को लोगों के सामने रखेगा। इस थीम को लेकर 1 घंटे की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें एंटरटेन जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कान फेस्टिवल की शुरुआत वहां के विख्यात मैजिस्ट्रिक बीच पर आयोजित रंगीन शाम से होगी, जहां फोकस कंट्री होने के नाते भारत का सिनेमा, भारत की विरासत, भारतीय संस्कृति को पेश किया जाएगा। यहां तक कि उस दिन के परोसे जाने वाले व्यंजन भी हिंदुस्तानी ही होंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर भारत के कॉयर ब्रांड, लोक संगीत और आतिशबाजी की खास पेशकश भी रहेगी। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।